तरह नाजरीन आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। नॉर्थ कलकत्ता में एक कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट का मर्डर हो चुका है। ये मर्डर जो हुआ है ऑलमोस्ट 4 बजे से लेकर के 5 बजे के दरमियान में, ये वही जगह है जहां पर मर्डर हुआ। हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये भीगा हुआ जो था, धूप की वजह से ये सूख चुका है। ये वही जगह है, कैसे मर्डर हुआ, नहीं हुआ, किस तरीके से मारा गया, उसके बारे में भी हम बताएंगे। मगर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इसको जो अपने कॉरिडोर में ले लिया है, इसको जो है एकदम जो घेराबंदी कर दिया है चारों तरफ से, वो जो पूरी जगह को प्लेसमेंट को घेराबंदी करके यहाँ से वहाँ तक। और ये एरिया का नाम जो है कैसर स्ट्रीट है, ऑटो स्टैंड है। ये जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम है इमामुद्दीन अंसारी, जो धार बगान का रहने वाला है, बगल में धार बगान मतलब वहाँ का रहने वाला है। मगर इसके पीछे और भी बहुत सारी वजूहत है। ऑलमोस्ट 10 से 15 दिनों के अंदर में एक टीम के साथ दो निजी ग्रुपों के दरमियान में झमेले चल रहे थे, आए दिन चल रहे थे, थाने में केसेस था, थाने में चला था। जिनका मर्डर हुआ उनका ऑलरेडी भाई जो है पुलिस की हिरासत में है, उनका नाम फखरुद्दीन अली अहमद है, अंसारी है, और ये इमामुद्दीन अंसारी है। इमामुद्दीन अंसारी कांग्रेस के ब्लॉक के प्रेसिडेंट है, ये नॉर्थ कलकत्ता में आता है। मारने वाले की किसने मारा नहीं मारा अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर ये नारकुल डांगा पीएस के अंदर में आता है, वार्ड 36 में है। दूसरी अहम बात यह है कि एक बंदे की जो हम लोग के पास जो खबर आई है, एक की गिरफ्तारी हुई है, और वो गिरफ्तारी होने के बाद और भी गिरफ्तारी होना बाकी है। जहाँ पर लोकल लोगों से हमने जो बात किया कि सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग मतलब वही 4 से 5 बजे के दरमियान में, जैसे पुलिस को खबर मिली, पुलिस ऑलमोस्ट जो है 6 बजे से पहले यहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी, और उनको उनके बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है NRS ले जाया गया है। और भी हम बताएंगे, जैसा कि हमने लोगों से बात की और भी लोगों से, बाबासाहब जराय से खबर मिली, जो हमले हुए थे जिसका मर्डर हुआ है उसको चापर के जरिए तेज धार औजार के जरिए जो है उन पर हमला हुआ था, पैर के ऊपर हमला था, सर के ऊपर हमला था, और भी बॉडी के जगह जगहों में भी हमला था। मगर जहाँ तक पहुँच रहा है कहीं ना कहीं इसका लिंक बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत लोग इसमें इस मर्डर केस में फंस सकते हैं। उसका बहुत सारा रीज़न है कि जिसने मर्डर किया है किसके सारे पे किया है, नहीं किया है, इसका पॉलिटिकल क्या बैकग्राउंड है, नहीं है, इसके पीछे क्या सियासत है, नहीं है, वो सब बाद में समझ में आएगा। हम धार बगान जा करके उसके फैमिली से, उसकी बेवा से भी बात करेंगे, उसके बच्चे से भी बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ नॉर्थ कलकत्ता में जो मर्डर हुआ है, वो कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था इमाम अंसारी का जो है मर्डर हो चुका है। और ये इनके साथ झमेले जो है लास्ट 10-15 दिन से कंटिन्यू चल रहे थे, थाने को भी पता था, दो ग्रुपों के दरमियान में झमेले चल रहे हैं। और अगर मामला बहुत टिपिकल हो चुका था, बहुत समझिए कि भयानक हो चुका था, तो पुलिस को दोनों ग्रुपों को अरेस्ट कर लेनी चाहिए था, दोनों को लॉकअप के अंदर डाल देनी चाहिए था। इसलिए कि अगर वो दोनों को लॉकअप में डाला जाता तो शायद इमाम अंसारी का आज सुबह में मर्डर नहीं होता। कत्ल हो चुका है, कत्ल करने वाला कौन है नहीं है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं है, पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। मगर एक की अरेस्टिंग हो चुकी है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये कहीं पर पुलिस के ऊपर भी बात आएगी कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है, इलेक्शन का जमाना है, नॉर्थ कलकत्ता का में इलेक्शन है, ये मर्डर नॉर्थ कलकत्ता में हुआ है, और इमाम अंसारी भी हुआ, पॉलिटिकल इसलिए हो जा रहा है कि जिसका मर्डर हुआ है वो कांग्रेस का ब्लॉक का प्रेसिडेंट था, वार्ड नंबर 36 का इमामुद्दीन अंसारी का। आप इस तरह देख सकते हैं ये कॉरिडोर पूरा घेराबंदी कर दिया गया ताकि कोई ना आ सके ना वो जा सके। वहाँ पर जो है बहुत धूप होने की वजह से जो ब्लड गिरा हुआ था वो अभी भी भीगा जो तर नजर आ रहा, तो वो पोजिशन है, वो इसी जगह ब्लड उलट गिरा था। मतलब तेज औजार के जरिए, चापर के जरिए उनको जो है मर्डर किया गया है। और जो लोगों से पता चली कि एक की गिरफ्तारी हुई है, एक आदमी के इसमें हाथ नहीं है, इसमें कई लोग का हाथ है। इट्स अ प्लानिंग मर्डर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये प्लानिंग करके मर्डर किया गया है। और ये जो सुबह का जो टाइम होता है ये सन्नाटा एरिया होता है, ये कैसर स्ट्रीट है, पूरा सन्नाटा एरिया। हमने यहाँ से लेकर वहाँ तक रोड एंड तक सबसे बातें की तो सभी ने बताया, किसी ने 7 बजे बोला मैं दुकान खोला हूँ, किसी ने बोला 7:30 बजे, किसी ने 8 बजे। बहुत सारे ऑटो वाले से हमने बात की तो बोला हम लोग तो 7 बजे के बाद ही आते हैं। जो ऑटो का स्टैंड भी है सामने में, और सामने में ये रेलवे क्वार्टर्स वगैरह भी दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये रेलवे क्वार्टर है, और भी पीछे की तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे। DRM रेलवे ऑफिस भी है, सियालदह स्टेशन भी है, सारी चीज़ है। बिल्कुल शहर के कल में मर्डर हो चुका है, और ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो मर्डर हुआ है वो नारकुल डांगा थाना PS अंदर में आता है, और भी इसकी जो तफ्तीश है, इसके
हम और भी आपको देंगे। हमारे साथ कंटिन्यू आप बने रहिएगा। मटर की वजूहत, मटर का रीजन, जैसा कि पता चला है दो ग्रुप के दरमियान ऑलरेडी झमेले झगड़े चल रहे थे, कंटिन्यू झमेला चल रहा था, कई दिनों से चल रहा था, जिनका मर्डर हुआ है उनके एक भाई ऑल जे मतलब हिरासत में है ऑलरेडी, जो है जिसमें जिसी जो है जिसी हो चुका है, शायद आज उसकी सुनवाई भी इतनी नहीं थी। अगर इस किस्म का मामला था, अगर वही स्टोरी के साथ मर्डर हुआ है, वही ग्रुपों ने मर्डर किया है, तो समझ लेनी चाहिए पुलिस को इसके ऊपर पहले ही एक्शन ले लेनी चाहिए। शायद क्या पुलिस ने, नारकुल डांगा की पीएस ने, पुलिस वाले ने क्या इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए लापरवाही बरती, ये भी एक सवालिया निशान है। अगर लापरवाही बरती है तो इसकी तो समझिए कि बहुत बुरा मामला हो गया है। इसलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले भी हमने दिखाया था, रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में एक बंगाली बाजार गार्डन इंच में मर्डर हो चुका था, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को मर्डर कर दिया, फिर जब मर्डर हो चुका इससे पहले भी दिखा, कहने मतलब क्या पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जनता के दर में वाम की तरह डर खत्म हो रहा है, क्या उसको पता नहीं है कि अगर हम किसी की जान लेते हैं तो उसकी सज़ा क्या होती है, सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, क्या पुलिस का डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, क्या पुलिस अपने काम को लेकर के किस तरीके से काम कर रही है कि मुजरिमों के दरमियान में ये डर खत्म होते हुए जा रहा, क्या लगता है कि वो बच जाएगा, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। जो आज हो या कल हो, जिसने भी मर्डर किया है, जो मर्डरर है, जो कातिल है, आज हो या कल हो, जेल की सलाखों के पीछे जरूर होगा। पुलिस अपनी तफ्तीश भी करेगी, रिपोर्ट भी पेश करेगी, और सामने में हुकूमत सॉरी अदालतें जो है सज़ा भी सुनाएंगी। मगर अफसोस की बात है, जिनके बच्चे यतीम हुए हैं, जिनकी फैमिली बेवा हुई है, उसको देख रेख करने वाला कौन होगा, एक सवालिया निशान है। अभी इलेक्शन का ज़माना है, नॉर्थ कलकत्ता में 1 जून को इलेक्शन है, ठीक आज से एक महीना के बाद ऑलमोस्ट, ऐसी सूरत हाल में ये एक पॉलिटिकल मीटर भी हो सकता है, एक सियासी मीटर भी हो सकता है। इसलिए कि जिसका मर्डर हुआ है, वो मर्डर जो होने वाला है, वो समझिए कांग्रेस का ब्लॉक का प्रेसिडेंट था, तो मतलब ये पॉलिटिकल मामला भी हो सकता है। मगर हम इसको पूरी तस्दीक नहीं करते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, किसने मर्डर किया, किसके साथ है, जो खबर मिली है, जो लोग जिसके साथ झमेला चल रहा था, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समझिए कि उनके साये में था, उनके सरपरस्ती के हाथ थी, ये अभी भी हम कुछ बताएंगे नहीं। मगर आपको समझना है कि, और समझाने की कोशिश भी मैं कर रहा हूँ, मगर जो लोग हम किस तरीके से द्वार लगा के गए, लोगों से हमने बात की, लोगों से पूछा, उन्होंने यही सारी बातें बताई, कई दिनों से झमेले चल रहे थे, आज मौका मिला होगा, अकेला रहा होगा, या किसी ने फोन करके बुलाया, नहीं बुलाया, वो मोबाइल का डेटा जो है वो चेक होने के बाद ही समझ में आया कि इतना सुबह में वो क्या हमेशा घर से निकलते थे, या उनका शेड्यूल था, क्या था, यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई, जरूरत पड़ गई, सारी चीज़ें, सारी वजूहत है। अब तक के लिए ये सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नॉर्थ कलकत्ता में ब्लॉक प्रेसिडेंट, कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट इमाम अंसारी का मर्डर हो चुका है। चलिए, आज भी हम धार बगान के रहने वाला था, वार्ड नंबर 36, और भी हम चलते हैं इनके घर में, बच्चे की क्या सूरत हाल है, नहीं है, इनकी विवाह से भी बातें करेंगे, इनके बच्चे से भी बातें करेंगे, इनके रिश्तेदारों से भी बातें करेंगे कि मर्डर की वजूहत क्या है, मर्डर किस लिए हुआ, किसके साथ जो है इनके लड़ाई झगड़े झमेले चल रहे थे। आप देखते रहिए सरफरस न्यूज़ लाइव, कैमरामैन जिशान के साथ डीजे महबूब रजा सिद्दीक को इजाजत। मगर उससे पहले एक चीज बताते चलूं, सरपरस्त आपका अपना चैनल है, सच्चाई की आवाज़ को, हक की आवाज़ को बहुत ईमानदारी के साथ आपके दरमियान में रखते हैं। अगर हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, इसको फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, और जिसका मर्डर हो चुका है उनकी जस्टिस के लिए भी हम लोग को आवाज़ उठाना है, इसलिए कि जुल्म को ख़त्म करना ज़रूरी है। ये जालिम हजरात, जो मुजरिम हजरात हैं, इसको जो है सलाखों के पीछे होनी चाहिए, क्रिमिनल माइंडेड लोगों को ये प्लानिंग मर्डर है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। इसलिए कि आपको अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैल जाएगी, समाज बहुत ऐसा तबीयत का हालत होगा। आप देखते रहिए सरफरस न्यूज़ लाइव, डीजे महबूब रसूलिया, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंटिन्यू पुलिस यहाँ पर आमद और रफ्त यहाँ पर कर रही है, हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे, इससे पहले और इससे पहले भी जो क्राइम ऑफिसर यहाँ से पूरा रिपोर्ट लेके गया है, और पूरे मोहल्ला में धार बगान वगैरह में कंटिन्यू जो क्राइम ऑफिसर है, लाल बाजार की टीम है, वो कंटिन्यू पूछताछ में लगी हुई है, बात भी कर रही है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now